प्रदेश सरकार द्वारा राज्य की लगभग 4000 आंगनवाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल में बदला जाएगा। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति के तहत इन प्ले स्कूलों में 3 वर्ष तक के बच्चों को रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि इन प्ले स्कूलों में आंगनवाड़ी वर्कर 3 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा देगी। हमारा टारगेट है कि 4000 तक उनको करेंगे पूरे कार्यकाल में। अभी तो 1100 कुछ 1136 ऐसे कुछ हैं जो अभी तक की हैं। हमारे पास जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं वो भी अच्छी क्वालिफाइड आंगन वर्कर हैं जिन लोगों को हम इसमें लगाने लग रहे हैं, और उसमें जिन बच्चों को लिया जा रहा है वो 3 साल के बच्चे हैं। जो नई शिक्षा नीति आ रही उसमें एक ये भी एक वो है सुझाव है उसमें कि 3 साल का जो बच्चा है उसका दिमाग पूरी तरीके से डेवलप हो सकता है, लगभग डेवलप हो जाता है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि 7 मार्च को मुख्यमंत्री मनोहर लाल विधानसभा में अपनी बात रखेंगे और 8 मार्च को बजट पेश किया जाएगा, जिसके बाद पक्ष व विपक्ष की चर्चा होगी। 21 मार्च को मुख्यमंत्री उसका जवाब देंगे और 22 मार्च को बजट सत्र का समापन होगा। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में फंसे छात्रों को सकुशल वापस लाने के लिए सरकार प्रयासरत है। 7 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी उसका जवाब देंगे, 8 तारीख को बजट पेश होगा और उस पर डिस्कशन चलेगी, और 21 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री उसका जवाब देंगे। 22 तक हाउस चलेगा, तो उसमें हाउस के दौरान बहुत से विषय होते हैं ऐसे जो विपक्ष है वो भी अपने मुद्दे उठाता है, सत्ता पक्ष अपनी बात रखता है, और जो भी सवाल होते हैं उन सवालों का जवाब भी